हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकअप मैथ्स। माई सेल्फ अरुषि चतनानी। इस वीडियो में हम चैप्टर 10 सर्किल्स के एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको एक सर्कल गिवन है जिसका आपको सेंटर का पोजिशन नहीं पता है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है और फिर उसके बाद हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं। ड्रॉ अ सर्कल। अब आपको इस सर्कल के दो कॉर्ड्स बनाने होंगे। ड्रॉ द टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। अब आपको ए बी और सी डी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। यू विल नीड अ कंपास। कंपास का पॉइंटेड एंड रखिए ए पॉइंट में और हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए बी से जो है आपको ज़्यादा का आर्क करना है, अपसाइड ऑफ ए बी एंड डाउन साइड ऑफ ए बी। अब आपको बी पॉइंट पे पॉइंटेड एंड रखना है और फिर सेम लेंथ का आर्क कट करना है, अपसाइड ऑफ ए बी एंड डाउन साइड ऑफ ए बी। जॉइन द आर्क्स, इसका नाम दे दीजिए पी और क्यू। तो पी क्यू इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब सी डी कॉर्ड का भी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम स्टेप से करना है। सी पॉइंट पे पॉइंटेड एंड रखिए और हाफ ऑफ लेंथ ऑफ सी डी से ज़्यादा आपको जो है पॉइंटेड एंड ऑफ कंपास और पेंसिल का डिस्टेंस रखना है। हाफ ऑफ सी डी से ज़्यादा आप आर्क कट करिए, अपसाइड ऑफ सी डी एंड डाउन साइड ऑफ सी डी। फिर डी पॉइंट पे पॉइंटेड एंड रखिए कंपास का और फिर आर्क ऑफ द सेम लेंथ कट करिए, अपसाइड ऑफ सी डी एंड डाउन साइड ऑफ सी डी। जॉइन द आर्क्स। अब इसका नाम दे दीजिए एल और एम। सपोज पी क्यू और एल एम जो है इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट ओ, तो ओ जो है वो आपका सर्किल का सेंटर होगा। तो आपने सेंटर तो इसका फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। अब आपको करना होगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो शुरू करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना। पहला स्टेप है ड्रॉ अ सर्कल। सेकेंड स्टेप, ड्रॉ द टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑन इट। थर्ड पॉइंट, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। फोर्थ पॉइंट, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो स्टूडेंट्स, ये था स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स आपने क्वेश्चन नंबर 2 में कंस्ट्रक्शन भी कर लिया और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कर लिया। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीटली कर लिया है सॉल्व। नाउ अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेम एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन बी सेफ एंड गुड बाय।